सुना ले। जी हाँ, सोनोटेक कंपनी के निर्माता भाई हंसराज जी पेश करते हैं कचड़ा शिव मंदिर महाकंपटीशन। देखिए, जिसके आयोजक हैं चौधरी मुन्नी लाल जी व समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी तथा इस प्रोग्राम में भाग ले रहे कलाकार, जिनसे मैं आपका सूक्ष्म सा परिचय करा दूं। देखिए मेहमानों, सबसे पहले इस प्रोग्राम में एंट्री हुई है जो 30 साल से आप लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, भटनेर में छाए हुए महाशसक पाल दोसा, और उन्हीं के बहुत ही पुराने साथी हैं भाई करतार सिंह नंगड़ा बेर, सतपाल जी के बहुत ही प्रिय शिष्य भाई सतबीर सिंह गोठड़ा, और देखिए एक नन्ना मुन्ना उभरता हुआ कलाकार भाई अमित कुमार दोसा, और देखिए एक बहुत दूर से कलाकार आए हैं डॉक्टर मुनेश कुमार गोविंदपुर मेरठ, और देखिए कंपटीशन की दुनिया के बहुत ही धुरंधर कलाकार भाई ओमवीर सिंह चुड़ियाड़ा, मवाना से आए हैं भाई विजयपाल सिंह पिनाई, और देखिए ये तो रहे जेंट्स कलाकार, अब इसमें कुछ लेडीज कलाकार भी आई हैं कॉमेडी की दुनिया में, जिन्होंने कई प्रांतों में अपनी जादुई आवाज से श्रोताओं के मन को मोह रखा है, ऐसी कलाकार श्रीमती पुष्पा गुसाई दिल्ली, और देखिए एक और कलाकार यहीं तक नहीं, अपने इन प्रांतों में नहीं बल्कि देश विदेशों में जिनकी आवाज को पसंद किया गया है, ऐसे कलाकार हैं कुमारी रीता पांडे दिल्ली, और जो इस संगीत पर झिरकती हुई उंगलियों का कमाल देख रहे हैं आप, नन्ने मुन्ने कलाकार मास्टर लोकेंद्र व संदीप दीवाना एंड पार्टी देदवा, और देखिए मेहरबानों इन सब के बाद एक छोटा सा परिचय मेरा भी है कि मुझ गाने के बीमार बरखुदार गमखुआर लाचार को केशव कुमार कहते हैं, और मेहरबानों इस कंपटीशन में एक बात लेकर आ रहे हैं केशव कुमार गोविंदपुर। देखिए मेहरबानों एक रागड़ी गाने का अवसर मुझे खाकसार को भी दिया, तो ये रागड़ी होगी किस्सा भक्त पूरणमल, और बात उस टाइम से जब गुरु भाइयों का ताना मार देने से पूरणमल चीन देश की राजकुमारी सुंदरा देखे यहां भिक्षा लेने के लिए पहुंचता है, तो मेहरबानों सबसे पहले भिक्षा लेकर डोडी पर बांधी आती है, देखकर पूरणमल की शान को मोहित हो गई और जाकर सुंदरा देश से यूं कहने लगी कि रानी चाहे मुझे मार देना लेकिन इस संत को मत मारना, ऐसा साधु तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। तो बांदी की बड़ाई सुन करके सुंदरा ने डोडी पर लेकर भिक्षा के आ गई, हाथ में कटार ली हुई, और देखते ही साधु को खंजर छूट के हाथ से गिर गया, आसमान डोलता नजर आने लगा, और चक्कर खा के बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। तो एक बात के द्वारा पूरणमल रानी सुंदरा से क्या कहने लगा, तेरी बात ठीक रानी रही मुझे दीख रानी, गेर दे तू भीख रानी हो, काम नहीं है देर का देर का, दे तू भीख रानी हो।
हो। जी हाँ, इस रागिणी पे खुश होकर के भाई रविंदर तंवर जी 5100 रुपए से पार्टी को सम्मानित करते हैं। उनका बार बार बहुत धन्यवाद। किस तरह का सुनाएंगे? ये संसार एक संशय है, एक भ्रम है।
यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बलवान राक्षस आए, लेकिन एक दिन इस नासमान संसार को छोड़ करके सभी को जाना पड़ा। तो कवि ने कुछ प्रमाण दिए भजन के द्वारा, सुनिए महासुपाल गोसा से। पेट पैंट कमीज में आज तमाशे जी। सन से संसार भरे में कर कर करमात चले गे, कोई बड़े बड़े तपदारी तप करके उत्पात चले गे। सन से संसार भरे में कर से संसार भरे में कर कर करमात चले गे, बड़े बड़े तपदारी तप करके उत्पात चले गे। संसार भरे में सन से संसार भरे में, तो पहली बात नहीं, और मारकंडे पारासुर उद्यालकुर वेद व्यास दुर्वासा अगस्त सरंगी गौतम वशिष्ठ सन धास वाल्मीकि सुखदेव मुनि कृपालोर हरिदास गुरु और प्रहलाद पूरण भगत का भी है इतिहास। आग्यार फिर मरे मैं, आग्यार फिर मरे मैं, गुरु गोरखनाथ चले गे, पंडित विष्णु जी के मार कलात चले गे। सन से संसार भरे में सन से संसार भरे में। जी हाँ, चौधरी मुन्नीलाल जी मंदिर के, इस मंदिर के निर्माण करता वह चौधरी अजय पाल सिंह, गुरु महामहिम कांवर सेवा संघ, ये दोनों मिलकर 2121 रुपए से पार्टी को सम्मानित करते हैं। इनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। भाई अजय अम्ब विक्रम करण अर्जुन का सुत बबरा भान जग देव कुंवर ने भी कर दिया सर अपने का दान। मोर धज करती भामा दशरथ ने भी दिए प्राण शिव दधीची हरिश्चंद्र राजा सत्वादी और सत्यवान। बल राजा रे दान करे मैं, बल राजा दान करे मैं, नपवा के गास चले गे सिरसागढ़ में नरसी बनिया भर के बात चले गे। सन से संसार भरे मैं संसार भरे में। अरे भैया बच्चे जो पढ़ा रहे हैं झाड़ी पकड़ ला के नीचे हो रहा है मंदिर जो प्रचंड है जो। जी हाँ, भूमेश नागर प्रधान जी इस गाने पर खुश होकर के 1100 रुपए से पार्टी को सम्मानित करते हैं। हम इनका बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अरे हिरणा कश्यप कुंभकर्ण रावण और शिशुपाल बकर दंत जोरा सिंध दुर्योधन की चक चंडाल सुकनेसर और दुशासन ने द्रौपदी के खेचे बाल भग दंत का गोत सगर जिसके 60,000 लाल अश्वमेध यज्ञ करे मैं, अश्वमेध यज्ञ करे मैं, सारे एक साथ चले गे भाई कपिल मुनि के लात मार योदा बिन बात चले गे। सन से संसार भरे मैं सन से संसार भरे मैं। जी हाँ, चौधरी हीरे सिंह नागर अध्यक्ष जिनका इस प्रोग्राम में बहुत योगदान रहा है, ये खुश होकर के पार्टी को 1100 रुपए सम्मानित करते हैं। भाई का बार बार हार्दिक धन्यवाद।
राज वीरान, आपस के में फूट पड़गी, जयचंद हो गया बेईमान। इस्लामी की कमजोरी पे आन बसे कसटान, क्यों रघुनाथ बावड़ा हो रहा, छोड़ दे दुनिया के ध्यान। परसू के बाग हरे में, परसू के बाग हरे में, यूसुफ आज रात चले गए, शाह सिकंदर जैसे भी खाली हाथ चले गए, सन से संसार भरे में, सन से संसार भरे में, कर के करमात चले गए, और बड़े बड़े तपधारी तप करके उस पात चले गए, सन से संसार भरे में, सन से संसार भरे में। अरे ना भाई को लेडी पेटी ना लाए, आप लेडीज की भी होगी जी, रुक जाओ फिर। रे रह जा, रह जाओ टोपा वाले, मगर तेरे से कह रहा, हाँ हाँ इसे तेरी मौसी को खड़ी कर रहे हैं अभी। तो देखिए मेहरबानो, दिल थाम के बैठ जाइए, अब एक गाना लेकर के आपके सामने आ रही हैं श्रीमती पुष्पा गुसाई दिल्ली। और देखिए मेहरबानो, बात भी कुछ ऐसी चटपटी सी, एक फौजी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके बॉर्डर पे पहुंच जाता है, तो उस जाड़े की रात में फौजी की पत्नी को अपने फौजी पति की याद आती है और बैठ कर चिट्ठी लिखने लगी, कह रही है कि खत लिखूं तो क्या लिखूं, सीने में दिल हमदम नहीं, अरे खा कैसी जिंदगी पे तुम कहीं और हम कहीं। लिख रही है अपने प्रीतम को, बुला रही है खत के द्वारा, तो सुनिए पुष्पा गुसाई दिल्ली से। सभा में बैठे सभी बुजुर्ग वर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी माताएं बहने, सभी को पुष्पा गुसाई और हमारी ये छोटी सी दोसा पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एक रागे गाने का मौका मुझे भी मिला है, तो मेहरबानो फौजी की पत्नी अपने फौजी पति को पत्र लिखती है, और किस तरह से हिमाचल प्रदेश से आए हैं, ये खुश होकर इस गाने पे
₹51 से पार्टी को सम्मानित करते हैं। हम इसका बार बार धन्यवाद करते हैं। घर ले आया।
लेकिन सखियों वाला ताना वतनों बदन के बीच को निकल गया था। सखियों ने जो ताना मारा था यानी ना, तू तो गोरी और पवन तो बिल्कुल काला है, तेरी इसकी जोड़ी नहीं मिली। आते ही मेहरबानो 12 वर्ष का तुम्हारा गरीना को दे देता है। तो दोनों के सवाल और जवाब के वक्त ने ऐसे जख्म दिए कि फूलों पर सोया ना गया, दिल को जला कर राख कर दिया लेकिन आंखों से रोया ना गया। महाराज कहिए अंजना, आप नाराज क्यों, ये तो बता दो। नाराजगी का कारण तो तू खुद ही जानती है। उस रोज तेरी सखियों ने मुझे कैसे कैसे अपशब्द किए, मुझे काला कह काला कौवा कहा। महाराज मेरी सखी आपकी साली है, अगर उन्होंने मजाक में कह भी दिया तो क्या हुआ। नहीं अंजना, ये बात बर्दाश्त से बाहर है, तुझे 12 वर्ष का दुहा काटना पड़ेगा। महाराज मेरी बात सुन लो। सुना दे क्या कहना चाहती। हो दुख गात में गलती करी क्या प्राणनाथ में, हो दुख गात में गलती करी क्या प्राणनाथ में। और तू गोरी मामा
जी हाँ, इस गाने पे खुश होकर के भाई करमबीर भाटी मकोड़ा 551 रुपए से पार्टी को सम्मानित करते हैं, इनका बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। लैंडों में तहलका मचा रखा है।
एक रागड़ी लेकर क्या रही है आपके सामने रीता पांडे दिल्ली। देखिए मेहरबानों बात इस तरह की किसना होगा नर दमयंती मेहरबानों विपत्ति के समय में राजा नल दमयंती से कहता है कि रानी ये रास्ता कुंदनपुर को जाता है कितना बता के रात्रि में विश्राम करने के लिए कुशी में पड़ जाते हैं तो रानी दमयंती को छोड़ करके विपत्ति के समय में नल अपना रास्ता पकड़ लेता है। मेहरबानों सुबह होते जैसे आंख खुलती है दमयंती की पछाड़ खाके गिर पड़ी कहने लगी मेरे प्रीतम मुझे इस हाल में इस बियाबान जंगल में किस जगह पर छोड़कर चले गए। रोती बिलखती दमयंती किसी शायर ने लिखा है कि तुम ही क्या गए हो मेरे आखिर करीब से दामन बचा के चलती है दुनिया करीब से। कभी अम्मा कहा करती थी मेरा लाडला लाला कभी जोरू कहा करती थी मेरा प्यारा घरवाला खुदा किसान है जब गरीबी से पड़ गया पाला मुरादाबाद जोरू गई और मेरठ गई खाला। तो मेहरबानों रोती बिलखती बियाबान जंगल में पागल के साथ दमयंती का और पेड़ पौधों से इस तरह पूछ रही है कहीं तुम्हें नल को देखा है तो सुनिए किस रागड़ी के द्वारा रीता पांडे से। प्रीतम जीते दुखिया हारी प्रीतम जीते दुखिया हारी दुनिया के वीर है बड़े भागवाड़ी प्रीतम जीते दुखिया हारी दुनिया के वीर है बड़े भागवाड़ी प्रीतम जीते दुखिया हारी।
ब्याह जल्दी करवाओ रे, चालू रखो चालू। सुनो भाई सुनो रे, अब आपके सामने एक रागनी लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही उभरते हुए कलाकार डॉक्टर मुनेश कुमार गोविंद को मेरठ। डॉक्टर खेत देसी होनी चाहिए, देसी हो। और बात उस टाइम की मेहरबान हो जिस टाइम राजा द्रौपदी ने स्वयं रख दिया, लेकिन बीन को बीनने में कोई भी योद्धा सफल नहीं हुआ। राजा द्रौपदी मायूस से बैठे हुए और सोचने लगे अब तो मेरी लड़की द्रौपदी कुंवारी रह जाएगी, क्या पृथ्वी अब क्षत्रिय से नरबीज हो गई है क्या? तो एक बात के द्वारा राजा द्रौपदी क्या कहने लगे सुनिए रागने के द्वारा। अरे राजा द्रौपदी रोवन लाग्या, अरे शर्म मान के भारी छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रह कुवारी, छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रह कुवारी। राजा द्रौपदी रोवन लाग्या, शर्म मान के भारी छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रह कवारी, छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रह कवारी। और गलती करके पछताऊं जो केड़ी शर्त लगाता ना, ऐसा राजा कौन सा है जो मेरी सुता को ब्याहता ना। और करता कम सोच के तो ये समय सामने आता ना, वेद विधि से फेरे देता फिर कोई भी शर्माता ना। और बलि नजर में आता ना हुई कैसी किस्मत तुम्हारी, छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रही कुवारी, छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रही कुवारी। पर ये दोनों मिलकर 251 रुपए से पार्टी को सम्मानित करते हैं, उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और बड़े बड़े राजा महाराजा सब जोर लगा के हार गए, जरा सिंध शिशुपाल शर्म से मुंह पे पल्ला डाल गए। और जो मन में कुछ बने फिरे वो नीची धरण निहार गए, भाग द्रौपदी के जाग्य सो कई समंदर पार गए। और मन के बदल विचार गए, खुद खा के मरू पटारी, छत्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रही कुवारी। जी हाँ, लक्ष्मी प्रधान सजीत भाई जी नोएडा दोनों पार्टी को 201 रुपए से सम्मानित करते हैं, इनका बार बार हर और नींद के धोरे राजा ने एक ब्राह्मण देखा खड़ा हुआ, कोई न
मस्तक ऊपर तिलक लगया और गले जनेऊ पड़ा हुआ करने लगे अफसोस भूपमा जिनका नखरा झड़ा हुआ। बहम संत के बड़ा हुआ सब कह रहे थे नर नारी छतरी में हुई भूमि मेरी कन्या रही कुआरी। जी हाँ, देख राम दुकानदार मदन डेरी नोएडा भाई पप्पू नागर दोनों मिलकर 151 रुपए से आज जी को सम्मानित करते हैं। हमने बार बार हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और राजा रोया पता नहीं था बुरी घड़ी आवेगी अगर संत के बाणों से ये मछली बिंध जावेगी। मेरी द्रौपदी साधु के संग भारी दुख पावेगी राज घरा की बेटी टुकड़े मांग मांग खावेगी। कहे जय करण गावे धर्म सिंह रंगत प्यारी प्यारी चक्रीन हुई भूमि मेरी कन्या रही कवारी। राजा द्रुपद रोवन लाजा शर्म मान के भारी हुई भूमि मेरी कन्या रही कुआ। तो देखिए मेहरबानो, अब आपके सामने एक रागनी लेकर के जो सुने आ रहे हैं महाशत पाल दोसा व कुमारी रीता पांडे। रीता के नाम पर घड़ा चल रहा भाई, इस भाई टॉप के वाले से कह रहा है। इसकी बात को देख के मुझे एक चुटकुला ध्यान आ गया। अब भाई आज मैं गुड़ को देख नहीं रहा कोई, ये वीर बननी क्या आगी हमारी जान को घड़ेगी भाई। हुआ न्यू एक चौधरी साहब अपने बात सुन में बिल्कुल नंगन हारे थे, अचानक वहां सरब देवता प्रकट हुए और कहने लगे कि नाखे नंगन हारा खा जी देवता हारा नरक में जागा। लक्ष्मी जी देवता महाराज नंगे नहाए तो नरक में जा, नुखा नुखियो सारी वीरवानी नंगे नहावे ये नरक में जा, नुखा नरक में जा। बोला देवता महाराज को सुरग में गए ऐसे ऐसे मरवाऊंगा मैं भी नरक में जाऊंगा। तो देखिए मेहरबानो रागनी होगी किसका ही राजा। जब रामजी को पता चलता है कि हीरे अखेड़े के बाद कन्नू के साथ में जाने वाली है तो रात को जैसे ही दूध लेकर उसके पास आती है तो गुस्से में रामधनु कहने लगा कह देवा कम से कम मेरे 12 वर्ष की भैंस चराई तू जा, तू तो जा रही है लेकिन इस पारी को किसके सहारे छोड़कर जा रही है। अब मैं तेरे घर नहीं रहूंगा तेरी भैंस चराऊंगा मैं अठेड़ जा रहा हूँ। दोनों के सवाल और जवाब किस तरह सुनिए रागनी ने। बाद हीरे अब मैं तेरी भैंस नहीं चराऊंगा क्योंकि मुझे पता लगा है कि तू कल अठखेड़े के बाद शकरनू के साथ में निकाह करके अठखेड़ा जा रही है। नहीं रांझे, तुझे ये गलतफहमी हुई है, मैं तो तेरी सदा से हूँ और तेरी ही रहूंगी। कन्नू तो मेरा भाई लगता है। तो ये बात सब झूठ है। हाँ जी, मेरी बात को सुन ले। सुना। भैंस ना चराऊंगा दाग ना लगाऊंगा जंगशाला छोड़ के अपने घर जाऊंगा। दगाबाज है हीर आशिक, दगाबाज है हीर वे तेरा कन्नू आशिक। लगाऊंगा
रंग अच्छा छल की है। तो तू भी छल कर रही है? ना मैं छल नहीं कर रही, मैं तुझे समझा रही हूँ। बता दे। किसी के बहकाने पे मत जा और सुन। ये दुनिया छल की बसी मत मने सुना रूखा रोड़ा सड़के चालेगा डोड़ा। वीरों की प्रीत कैसी चली रहा रीत कैसी दुनिया ना होगा गोरी हार में है जीत कैसी फोड़ गई तकदीर ओए तेरा फोड़ गई तकदीर ओए तेरा कन्नू आशिक अपने घर जाऊंगा दगाबाज है हीर ओए तेरा कन्नू आशिक दगाबाज है हीर ओए तेरा कन्नू आशिक। ये कौन है चाय शेट पीछे पीछे तो यार हीरे मुझको तो ऐसा लगता है कि तू मेरे साथ में धोखा करेगी। ना रांझी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बात को सुन ले। सुना तेरे घर के सब ताने मारे मैं अपने आप नहीं आया तंग करा परवानों ने चाचा से छोड़ के अपने घर जाऊंगा दगाबाज हरी हीर ओए तेरा कन्नू आशिक दगाबाज हरी हीर ओए तेरा कन्नू आशिक। भाई महकार ही महकार बहुत बकवास कर रहा हूँ यहाँ शराब पिला के बाहर ले जाओ। बता दे क्या बताना चाहती है। मैं फिर वही दोहरा रही हूँ अच्छा? कि तू मुझ पे शक न कर अच्छा? मैं तेरी हूँ और तेरी ही रहूंगी। बता दे तू क्या कहना चाहती है। सुन जान कद कद के पैर लिए छलिया पट मल भाई ने कान के संग ब्याह देगा अपनी लाडली जाई ने। इसमें मेरी खता अब तक तो मुझे पता नहीं हाथ हाथ पे तू धर दे तीन बचन पक्के भर दे बासे मजबूर नहीं तेरे से दूर नहीं परिस्थान में भी गोरी तेरे जैसी हूर नहीं फोड़ गई तकदीर ओए तेरा कन्नू आशिक फोड़ गई तकदीर ओए तेरा कन्नू आशिक। साला छोड़ के अपने घर जाऊंगा दगाबाज है वीर ओए तेरा
दगाबाज है रिहीर वे तेरा कन्नू दस का भी फिदाई हो रहा है मेरा जीवन बिगड़ गया जिंदा ना रह पाऊंगा जो चली गई तू अटखेड़े अपने प्राण गवाऊंगा ना तखत हजारा जाने दूं ना कहीं की ठोक